Because Narendra Modi's great advantage is that he is not Rahul Gandhi. He is self-made. He has run a state for 15 years. He has administrative experience. He is incredibly hardworking. He never takes holidays in Europe. भारतीय राजनीति में परिश्रमी और आत्मनिर्भर नरेंद्र मोदी के सामने पांचवी पीढ़ी के वंशज राहुल गांधी के लिए कोई मौका नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक कहे जाने वाले मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा का। केरल साहित्यिक समारोह के दूसरे दिन गुहा के सुर कुछ बदले बदले रहे। देशभक्ति बनाम अंधराष्ट्रवाद विषय पर बोलते हुए गुहा ने जो कुछ कहा उसे सुन हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, केरल साहित्यिक समारोह के दौरान इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि खानदान की पांचवी पीढ़ी के राहुल गांधी के पास भारतीय राजनीति में कठोर परिश्रमी और खुद मुकाम बनाने वाले नरेंद्र मोदी के सामने कोई मौका नहीं है। गुहा ने कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम के समय महान पार्टी से आज दयनीय पारिवारिक कंपनी बनने के पीछे एक वजह भारत में हिंदुत्व और अंधराष्ट्रीयता का बढ़ना है। उन्होंने कहा कि मैं निजी तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, वो सौम्य और सुसभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन युवा भारत एक खानदान की पांचवी पीढ़ी को नहीं चाहता। अगर आप मलयाली 2024 में दोबारा राहुल गांधी को चुनने की गलती करेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी को ही बढ़त देंगे। समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गुहा ने कहा, केरल ने भारत के लिए कई बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन आपने संसद के लिए राहुल गांधी को चुनकर एक विनाशकारी काम किया है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की असली बढ़त ये है कि वो राहुल गांधी नहीं है, उन्होंने खुद ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 15 साल तक राज्य को चलाया है और उनमें प्रशासनिक अनुभव है। वो उल्लेखनीय रूप से कठिन परिश्रम करते हैं और कभी यूरोप जाने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब गंभीरता से कह रहा हूँ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा। सोनिया पर निशाना साधते हुए गुहा ने उनकी मौजूदा स्थिति की तुलना मुगल वंश के आखिरी दौर से कर दी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रामचंद्र गुहा ने गांधी परिवार और कांग्रेस को लेकर इतनी तल्ख टिप्पणी की हो। इससे पहले उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के अच्छे दिनों की भविष्यवाणी कर दी थी। गुहा ने साफ कर दिया था कि अगले 5 से 10 सालों में कांग्रेस या तो खत्म हो जाएगी या पार्टी बिना गांधी परिवार के ही चलेगी। हालांकि उनके बयान पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है।